दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से बिना टीवी ट्यूनर की मदद से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टीवी को प्ले कर सकते हो। दोस्तों बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि किसी इम्पॉर्टेंट मैच या फिर इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम को देखने के लिए सडनली हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टीवी को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है और उस सिचुएशन में हम टीवी ट्यूनर को मार्केट में सर्च करते रहते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टीवी को प्ले कर सकें। लेकिन आज जो मैं आपके लिए मेथड लेके आया हूँ उस मेथड में आपको टीवी ट्यूनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना टीवी ट्यूनर के भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ही आसानी से टीवी को प्ले कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस कनेक्टर का नाम है HDMI to VGA कन्वर्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कन्वर्टर के एक एंड में HDMI पोर्ट दिया हुआ है और दूसरे एंड में VGA पोर्ट दिया हुआ है। इस कनेक्टर को सेटअप बॉक्स के मैं बैक साइड में लगाऊंगा। इस कनेक्टर को आप मार्केट से ऑफलाइन लगभग 200 रुपये में परचेज कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके ख़रीद सकते हैं। अगर मैं आपको सेटअप बॉक्स के बैक साइड में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDMI पोर्ट दिया हुआ है HDTV के लिए और सेटअप बॉक्स में साथ ही साथ एक ऑडियो वीडियो पोर्ट भी दिया हुआ है। मैं इस पोर्ट का भी इस्तेमाल करूँगा। सारी चीज़ें किस तरीके से होती है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर कंप्यूटर के आपको मैं बैक साइड में दिखाऊंगा तो कंप्यूटर का जो हमारा मॉनिटर होता है उसके बैक साइड से कुछ इस तरीके का VGA केबल निकल के आता है। मुझे सिंपली करना ये है कि इस VGA केबल को इस कन्वर्टर के एक एंड पे कनेक्ट कर देना है। और जो ये कन्वर्टर है इसके दूसरे एंड को जो कि मेरा मेल HDMI कनेक्टर है इस पोर्ट को सेटअप बॉक्स के बैक साइड में कनेक्ट कर देना है। सेटअप बॉक्स में जो RF इनपुट आ रहा है मैं उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे साथ ही साथ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सेटअप बॉक्स को चालू करके दिखाता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के मॉनिटर में कुछ वीडियो दिखता है या नहीं दिखता है। मैंने सेटअप बॉक्स को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे मॉनिटर के स्क्रीन पे वीडियो दिखना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अभी तक मैंने जो कनेक्शन किया है उस कनेक्शन से आपको अपने कंप्यूटर के मॉनिटर में सिर्फ वीडियो दिखाई देगा, ऑडियो नहीं सुनाई देगा। अगर आपको ऑडियो कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको जो मैंने बताया था सेटअप बॉक्स का ऑडियो वीडियो पोर्ट, उस पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसके लिए इस तरीके की एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे सेटअप बॉक्स में ऑडियो वीडियो पोर्ट ऑलरेडी दिए होते हैं तो आपको ये केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सेटअप बॉक्स में नहीं दिया हुआ है इसलिए मुझे इस केबल की ज़रूरत पड़ रही है। बेसिकली ये ऑडियो वीडियो स्प्लिटर कनेक्टर कहलाता है। इस कनेक्टर की मदद से हमारे जो सेटअप बॉक्स में ऑडियो वीडियो पोर्ट्स होते हैं उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग पोर्ट्स में। तो जो मेरा वूफर है, जो मेरे वूफर से ऑडियो पोर्ट्स आ रहे हैं, ऑडियो कनेक्टर आ रहे हैं, उस कनेक्टर पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। रेड और वाइट जो यहाँ पे कलर्स होते हैं ये हमारे ऑडियो के कलर्स होते हैं। रेड वाला होता है ऑडियो राइट पोर्ट और जो वाइट वाला होता है वो ऑडियो लेफ्ट पोर्ट होता है। इसीलिए मैंने रेड और वाइट को कनेक्ट कर दिया है अपने वूफर के रेड और वाइट से। और उसके बाद यहाँ पे जो येलो वाला पोर्ट है उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये वीडियो पोर्ट होता है और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वीडियो HDMI पोर्ट से लिया है। इसके बाद मैं सेटअप बॉक्स के बैक साइड में इसको कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों मैं वूफर को ऑन करता हूँ और जैसे ही मैंने वूफर को ऑन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है। मैं अनम्यूट करता हूँ इसे और आप ऑडियो सुन सकते हैं। कोई
तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि आप कैसे बिना टीवी ट्यूनर का इस्तेमाल किए अपने कंप्यूटर के मॉनिटर में भी टीवी को चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की आपके किसी फ्रेंड को जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर आपके मन में कोई सुझाव या कमेंट रह गया हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा।